एकदम फर्जी, तो टीटीटी ने पकड़ लिया है और जो कोच अटेंडेंट है वो भी बोल रहे हैं। ये जो डस्टबिन है यहाँ पर, ये है फुट ऑपरेटेड, तो जो प्राइवेसी मिलती थी ना अब वो एकदम खत्म हो। तो कर्टेंस हटा हटा के लोगों को बोल रहे हैं। और ये देखो क्या लिखा है, स्नान घर। ट्रेन नंबर 20479 बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट, जो कि राजस्थान के बाड़मेर को उत्तर प्रदेश के मथुरा से कनेक्ट करती है। और आपको पता है पहले ये ट्रेन बाड़मेर से जयपुर के बीच चलती थी, फिर 2022 में इसको एक्सटेंड किया गया जयपुर से मथुरा तक। और आज इस बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेस में हम लोग जर्नी करने वाले हैं। जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है 800 किलोमीटर 14 घंटे के समय में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। चलो चलते हैं अब अंदर और देखते हैं भाई कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आज जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर ये देखो डिस्प्ले पे अपनी ट्रेन का नंबर हो रहा है डिस्प्ले, जो कि 10:20 पे निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। चलो चलते हैं अंदर। ऐसे एंटर हुए ना अपन रेलवे स्टेशन से, तो बस ये लो जस्ट सामने ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये खड़ी है अपनी बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेस। तो अभी हम रेलवे स्टेशन पे आए तो हमने देखा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई थी और 9:40 पे लगभग जो है ना सभी गेट्स वगैरह ओपन हो गए, एसी वगैरह चालू कर दिया है। अब चलो चलते हैं अपने कोच की तरफ, आपको दिखाते हैं आज का अपना कोच और अपनी सीट। और आज इस बाड़मेर मथुरा एक्सप्रेस में अपना जो कोच है वो है AB2, मतलब आधा थर्ड AC है और आधा सेकेंड AC है। ये लिखा ना AC2 कम थर्ड AC3। चलो चलते हैं अंदर, आपको सीट दिखाते हैं। सीट भाई साहब सेकंड AC की जो हमारी फेवरेट सीट है वो हमें मिल गई है। तो ये है भाई फर्स्ट लुक अपने आधे सेकंड AC के कोच का। तो यहाँ पर जो अपनी सीट है आज वो है ये सीट नंबर 11 साइड लोअर। साफ सफाई तो एकदम बढ़िया है, मेंटेनेंस साफ सफाई अभी तो जबरदस्त है इस ट्रेन की। और अभी हम सोच रहे थे कि आगे की साइड जाके आपको लोकोमोटिव दिखाया जाए, लेकिन देखो आगे की साइड एकदम अंधेरा हुआ पड़ा है, सिर्फ रेड सिग्नल दिख रहा है, इसलिए अभी वहाँ जाएंगे भी तो अभी लोकोमोटिव नहीं दिखा पाएंगे। चलो कल सुबह दिन के टाइम में ट्राई करते हैं लोकोमोटिव दिखाने का आपको। तो भाई साहब अपने निर्धारित समय 10:20 पे अपना डिपार्चर हो चुका है बाड़मेर रेलवे स्टेशन से। तो अपनी ट्रेन निर्धारित समय से निकल चुकी है बाड़मेर रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 5 दिन चलती है, मंडे एंड थर्सडे को छोड़ के रात में 10:20 पे, नेक्स्ट डे दोपहर में 12:15 पे पहुंचा देती है मथुरा जंक्शन। जब हम ट्रेन में आए थे बाड़मेर रेलवे स्टेशन पे तभी देखा हमने हमारी सीट पे पहले से है ये एक पिलो कवर रखा हुआ है, एक ब्लैंकेट और साथ में ये एक पिलो भी रखा हुआ है। लेकिन पिलो कवर तो आप देख ही रहे हो, देखो हम दिखाते हैं, इतना कुछ साफ तो नहीं है, देखो गंदा सा लग रहा है, काला काला है। और बाकी बेडरोल वगैरह जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, बेडरोल का पैकेट यहाँ है, इसको निकालते हैं, इसमें देखते हैं टॉवल है, हाँ यहाँ पर फेस टॉवल या आपका हैंड टॉवल यहाँ पर दी है। 2 बेडशीट्स हैं, तो चलो इसको उठा के रख लेते हैं अपनी सीट पे और अब करते हैं यहाँ पर बेडिंग अपनी रेडी। ग्यारह किलोमीटर की जर्नी करके ये आ चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे उतरलाई रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का हॉल्ट है, 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं इस रेलवे स्टेशन पे, टोटल 12 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है। हो गया है सिग्नल भाई, मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है, एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है, छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है, काफी छोटा रेलवे स्टेशन है। उतरना है आराम से, आराम से, ठीक है, कोई पैसेंजर को छोड़ने आए थे और वो ट्रेन में रह गए, ट्रेन चल गई, चलती ट्रेन से कूदने हैं फिर। हम बता रहे थे भाई काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन, देख रहे हो लाइटिंग भी नहीं है प्रॉपर, और बगल में ये जो ट्रेन खड़ी है ना थोड़ी बहुत दिख रही है, रेक खड़ा हुआ है बाड़मेर हावड़ा सुपरफास्ट का, उस साइड जो खड़ा हुआ है।
वैसे एक चीज़ तो है, पुराना ICF कोच होने के बाद भी एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर है और एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर भी है साइड लोअर बर्थ पे, और साथ ही रीडिंग लाइट्स सभी सीट पर हैं। ये देखो, एक यहाँ पर जल नहीं रही क्या? लो भाई, ये वाली तो खैर जल नहीं रही, इसको देखते हैं। ये भी नहीं जल रही। ओह, ये तो पूरी डैमेज है अंदर से लगता है। चलो अपनी वाली देखते हैं जो हमारी सीट पे है ना। ये भी नहीं जल रही है, रीडिंग लाइट तो खैर ख़राब है, पहले इसकी फैसिलिटी थी भाई। जब से पर्दे वगैरह रिस्टोर हुए ना कोविड के बाद से, तो उसके बाद देखो क्या हालत है यहाँ कर्टेंस की। ये देखो झूला बना रखा पूरा है। ये देखो गैप कितना तगड़ा है इसका। उस साइड से दिखाते हैं हम आपको। तो ये देखो, अभी एक हम इसमें कुंदा लगा चुके हैं, अभी और कुंदे हैं, ये हम ही सेट करेंगे तब जाके ये कर्टेन वगैरह बंद हो पाएगा। नहीं तो भाई फिर सेकंड एसी का साइड लोअर और थर्ड एसी के साइड लोअर में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। देख लो ये हाल। अभी एक और कुंदा हमने लगाया है, उसके पहले तो ऐसा पूरा झूला हो रहा था। अब करते हैं इसको सही। तो भाई अब जाके फाइनली हमने पूरा ठीक कर लिया है, लेकिन अब एक और इसमें समस्या क्या है कि ये पूरा एक कर्टेन है, ठीक है। अब हमको खोलना है तो स्टार्टिंग से या इधर से खोलना होगा, या एंड इन दोनों एंड से ही निकल सकते हैं। अब वैसे नॉर्मली क्या होता है, दो कर्टेन होते हैं तो बीच में से भी निकल आ सकते हैं। जैसे ऊपर है, ये दो कर्टेन से दो पार्ट में डिवाइडेड है, बीच में से निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ नीचे ऐसा नहीं है। तो ये एक और अलग ही समस्या है। और एक और चीज़ हमने नोटिस करी, ये देखो, ये है सेकंड एसी की अपर बर्थ। ये कितनी पतली सीट है भाई, आज तक हमने सेकंड एसी में इतनी पतली सीट नहीं देखी। इतनी पतली सीट तो ये समझ लो स्लीपर कोच में देखी हमने। पता नहीं भाई, ये कोच एकदम अद्भुत कोच ही लग रहा है। वैसे ही जुगाड़ वाला कोच है, आधा सेकंड एसी आधा थर्ड एसी, सब ऐसे ही काम समझ लो इसमें। इतना पतली सीट यार, बहुत ज़्यादा पतली है। देखो इधर की भी ऐसी ही सेम। भाई साहब एक चीज़ तो है कि ये जो कर्टेन्स वगैरह ख़राब हो गए ना सेकंड एसी वगैरह में, तो जो प्राइवेसी मिलती थी ना, अब वो एकदम ख़त्म हो गई। अब कोई प्राइवेसी ऐसी नहीं मिलेगी आपको। ज़्यादातर ट्रेन्स में हमने देखा है सेकंड एसी में पर्दों का जो कर्टेन्स है ना, इनके हुक वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो उसको कोई मतलब सही नहीं करता। जो दोबारा लगाए गए हैं ना, तो वो उतने अच्छे से नहीं लगाए गए हैं जैसे पहले लगे हुए करते थे। पहले एकदम अच्छे से क्लोज हो जाता था, बट अभी वैसा नहीं है। खैर अभी तो इसमें हमने काफ़ी सही कर लिया है। हुक वगैरह हम ही ने लगाए हैं, हमने आपको दिखाया क्या हालत थी, मतलब पैसेंजर खुद लगाए है ना। यहाँ पर इन लोगों का काम है मेंटेनेंस का, लेकिन ये काम हम खुद कर रहे हैं आके, ठीक है। और नहीं करो तो फिर बस ऐसे ही चलन दो खुला, उसमें आपकी प्राइवेसी वगैरह इसी सब ख़त्म। फिर मज़ा क्या आया सेकेंड एसी का, फिर थर्ड एसी में चला जाएगा ना आदमी। छियानवे किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग बालोतरा रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आता ही अंडर जोधपुर रेलवे डिवीजन के। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और इस रेलवे स्टेशन पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। और रात का अभी भाई ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है, काफ़ी लेट हो गया है। मतलब हम सोच रहे हैं कि देखो जोधपुर, अगर नींद खुली रही ना, 1:30 बजे का टाइम है जोधपुर जंक्शन पहुंचने का अपनी ट्रेन का, अगर नींद नहीं लगी तो कवर करेंगे, नींद लग गई तो फिर मिलेंगे सुबह। Nagila Venus Bukhara
583 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग दौसा रेलवे स्टेशन, जिसको ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आता ये अंडर जयपुर रेलवे डिवीजन के। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे दो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 60 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। और आपको पता है इस ट्रेन में भी ना पेंट्री कार की सर्विस नहीं है, पेंट्री कार का कोच नहीं है, ना ही साइड पेंट्री है। अभी पता नहीं कोई लोकल वेंडर तो बेच रहा था कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, लेकिन इसमें पेंट्री और साइड पेंट्री दोनों ही नहीं है। अगर आप इससे ट्रैवल कर रहे हो तो भाई खाना पीना लेके चलो साथ में, वही बढ़िया है। बाकी अभी हम देख रहे हैं स्टेशन पे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ लेने के लिए, अभी स्टॉल्स तो हैं इस रेलवे स्टेशन पे, लेकिन एकदम पीछे की साइड है समस्या ये। अगर कोच अपना थोड़ा आगे की साइड है लेकिन स्टॉल्स पीछे की साइड है, तो ये वाला है अपना कोच और पीछे की साइड उधर पे है स्टॉल्स, काफ़ी दूर है इसलिए ट्राई भी नहीं कर पाए वहाँ जाके, नहीं तो देखते कुछ खाने को मिल रहा है कि नहीं ब्रेकफास्ट के लिए। और सिग्नल भी अपना हो गया अभी, ये देखो हॉन्किंग हो गई है। वैसे इस ट्रेन में एक चीज़ हमने देखी है किसी किसी कोच में है, वो क्या है देखो, यहाँ पर जो डस्टबिन होता है ना, ये वाला, ये जो डस्टबिन है यहाँ पर, ये है फुट ऑपरेटेड, आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर इस पर एक पैडल लगा हुआ है, इसको दबाया ये खुल गया, तो यहाँ पर जो है पैडल ऑपरेटेड डस्टबिन आपको मिल जाता है। थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे, बंद नहीं हो गया, ठीक है, ये देखो ऐसे खुल जाएगा, तो ये सही है यार एकदम, ये चीज़ सही लगी। लेकिन कई लोगों को यूज़ करना नहीं पता है इसलिए तभी तो कूड़ा यहाँ डाल दिया है, देख रहे हो ये डला हुआ है, तो इसको अपन ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऊपर से इतना ओपन है, यहाँ से भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी कूड़ा लोग यहीं पटक देते हैं। तो ये पहुंच चुके हैं अभी हम लोग बंदीकुई जंक्शन, जो कि राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आपको पता है 1874 में राजस्थान की पहली ट्रेन चलाई गई थी बंदीकुई जंक्शन से आगरा फोर्ट के बीच, और इसीलिए ये नॉर्दर्न इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। पीछे की साइड तो कुछ स्टॉल्स वगैरह थे, वहाँ पर समोसा कचौड़ी ये सब मिल रहा था, इधर पे भी एक कोई शॉप है, देखते हैं भाई कुछ ले लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है इधर पे। समोसा भैया फ्रेश है, दो समोसे दे दीजिए, और वो है मिल्कशेक की बोतल है, दूध की बोतल। लो भाई हॉन्किंग हो गई है, और ये लो हमने समोसे ले लिए हैं 20 रुपए के 3, थोड़े से गर्म है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है लेकिन फ्रेश है समोसा। चलो चलते हैं, ग्रीन सिग्नल हो गया है। चलो जो समोसा लिया था इसको करते हैं अब टेस्ट कैसा है। तो समोसा अभी टेस्ट कर लिया है, वैसे इसमें देख रहे हैं आलू वगैरह जो है ना, ज़्यादा कुछ ऐसे मिर्ची वगैरह नहीं है इसमें, तीखा नहीं है ज़्यादा, और हल्का हल्का गर्म है और ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, ठीक ठाक है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत क्रिस्पी है नीचे की साइड से पपड़ी जो है वो, ऊपर तो उतना कुछ नहीं है। तो ठीक है, काम चलाने के लिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा उस हिसाब से, तो यहाँ से समोसे आप ले सकते हो। बाकी आगे भी और स्टॉप्स हैं भाई, देखो मोर बैठी थी भाई इधर पट्टी हुए, ठीक है, और स्टॉप्स वगैरह हैं वहाँ भी, हमें लगता है समोसे वगैरह ही मेनली मिलेंगे, तो यही ऑप्शन था। तो अभी हम लोगों की ट्रेन रुकी हुई है बसवा रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट तो है लेकिन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ट्रेन अभी करीब 5 मिनट से रुकी हुई है और मेन लाइन पे हो चुका है ग्रीन सिग्नल, क्योंकि अब अपनी ट्रेन को ओवरटेक मारने वाली है यहाँ पर अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो भाई पीछे से आ रही है, चलो आपको ओवरटेक दिखाते हैं वंदे भारत से अपनी मथुरा एक्सप्रेस का ओवरटेक।
भाई ये देखो, लोकल वेंडर जो है पेपर वगैरह बेच रहे हैं ट्रेन में, सेकंड एसी में भी। अब आप ये देखो कि कर्टेंस वगैरह लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म। क्यों? अब ये लोकल वेंडर जो है ये पेपर वगैरह जो ही बेच रहे हैं, तो कर्टेंस हटा हटा के लोगों को बोल रहे हैं। अब बताओ भाई क्या देख रहा है यहाँ पर रेलवे, कि कोई आदमी अगर अपना कर्टेन लगा के बैठा हुआ है तो कोई प्राइवेसी ही नहीं है। कोई भी लोकल वेंडर आके सीधा कर्टेन वगैरह खोल दे रहा है। वाह, निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग अलवर जंक्शन, और अलवर जंक्शन पे तीन लाइन्स आकर मिलती हैं। एक आती है जयपुर से, इससे अभी हम लोग आ रहे हैं, एक जाती है सीधे दिल्ली के लिए, और एक जाती है मथुरा के लिए, जिस पे अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ से अपना रूट अलग हो जाएगा। अभी अपन लोग जयपुर दिल्ली मेन लाइन पर चल रहे थे, अब यहाँ से मथुरा वाली लाइन पर अपना रूट डाइवर्ट हो जाएगा। और बात करें अगर अलवर जंक्शन की, तो ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1874, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है। मोबाइल की नहीं तेरा आधार कार्ड है, तेरी वोटर आई डी दिखा दे, तेरा पैन कार्ड दिखा दे। अरे आ रही भाई, मन रुपया कुछ तो होगा तेरे पास। फोन में होगी कॉपी, तुम तुम्हारे हिसाब से बात करो। सचिन उनको बुलाएंगे, बाबूजी को रिपेयर वाले को। घबराहट लग रही है, कोई लड़का है, ठीक है, अपने आप को आरपीएफ का स्टाफ बता रहा है, कोई टिकट नहीं कुछ नहीं, और घूम रहा था फर्जी आरपीएफ का है ना आई कार्ड भी लेके घूम रहा है, ना कोई आईडी ना कुछ। क्या सीनियर से बोला बात कर रहा हूँ, जाने किसी कोच अटेंडेंट से बात करवा रहा है, एकदम फर्जी। तो टीटीटी ने पकड़ लिया है, और जो कोच अटेंडेंट है वो भी बोल रहे हैं भाई कि फ़ोन वोन चोरी ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं, ये लोग करते हैं, ठीक है। तो अभी उससे कह रहे हैं रसीद बनवाओ, तो रसीद कह रहा पैसे भी नहीं है। ये है भाई, मतलब ना उसके पास कोई आधार कार्ड पैन कार्ड कोई आईडी नहीं है अपनी, ठीक है, और जो आरपीएफ वाला आईडी कार्ड है वो भी फर्जी है, और बात करवा रहा है किसी को फ़ोन पे तो वो भी नहीं बता पा रहा है कि अपना सीनियर कौन है कौन है, सब एकदम फर्जी वाला भाई। आज तो पकड़ गया, मतलब एक समझ लो कि चोर पकड़ गया, कि कोई चोरी हो जाती ट्रेन में वो बच गई, किसी का नुकसान होने से बच गया, नहीं तो फोन वोन कुछ भी जा सकता था भाई। सात सौ 30 किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 36 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग ब्रिजनगर रेलवे स्टेशन। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 12 ट्रेन्स का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता है ये अंडर आगरा रेलवे डिवीजन के। अपनी ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, और अभी जो ये रूट चल रहा है ना अलवर जंक्शन के बाद, ये चल रहा है सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन।
ये रहा इस ट्रेन का फर्स्ट एसी का कोच, फर्स्ट एसी का कोच के साथ चलती है ये ट्रेन। तो ये देखो यहाँ की गैलरी का लुक, कुछ राजस्थानी पेंटिंग वगैरह यहाँ लगी हुई हैं। लेकिन हमको आपको दिखानी है एक दूसरी चीज़ जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। देखो यहाँ आए हम लोग और ये देखो क्या लिखा है, स्नान घर। मतलब यहाँ पर ये वॉशरूम नहीं है, ये बाथरूम आपको मिलता है इस ICF ट्रेन में। देखो गेट लॉक कर देते हैं। तो ये देखो भाई साहब, ये है वॉशरूम यहाँ का। ये शावर वगैरह लगा हुआ है, इससे बढ़िया ना हो। और वैसे यहाँ पर कोई गीज़र वगैरह नहीं है, लेकिन ऊंचाई देखो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत है। देख लो हमारी हाइट के हिसाब से पूरा घल्ला है इससे। तो ऐसे ठीक है, यहाँ पर नहा धो सकते हो बढ़िया। ये व्यवस्था है, इधर एडजस्ट फैन भी लगा हुआ है, सही है। और बाकी आप लोग बताना, कभी आपने किसी ट्रेन के फर्स्ट एसी में चलती ट्रेन में नहाया है कि नहीं नहाया, और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमने तो आज तक ऐसा नहीं किया, ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप लोग बताना अगर कभी आप लोगों ने ट्राई किया है फर्स्ट एसी में चलती ट्रेन में नहाने का, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गोवर्धन रेलवे स्टेशन, और जिन लोगों को गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाना होता है वो ज़्यादातर लोग यहीं पर इसी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, क्योंकि यहाँ से गोवर्धन टेंपल का जो डिस्टेंस है ना वो है करीब 4 किलोमीटर, और मथुरा जंक्शन से गोवर्धन टेंपल का जो डिस्टेंस है वो है 22 किलोमीटर। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास पड़ता है मथुरा जंक्शन के मुकाबले। तो यहाँ पर काफ़ी लोग डीबोर्ड करते हैं। वैसे यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। गर्मी तो बाहर बहुत ज़बरदस्त हो रही है, और अभी तक अपन लोग राजस्थान में चल रहे थे, अब एंटर कर चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं अब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन मथुरा जंक्शन। उससे पहले हम आपको दिखा दें यहाँ पर साफ़ सफ़ाई कैसी है। तो साफ़ सफ़ाई तो काफ़ी अच्छी मेंटेन है जब से ट्रेन निकली हुई है, और यहाँ पर बस कुछ लोगों की भाई गंदगी है, फेंक देते हैं चीज़। यहाँ पर मिरर सही है साफ़, बेसिन ठीक ठाक साफ है, यहाँ पर जो है उतना नहीं है, थोड़ा बहुत गंदगी पड़ी है, वो भी लोगों की हुई है। कुछ खाना पीना खाते हैं तो टिफ़िन विफिन धो दिया, पूरा इसी में गिरा दिया, वो चीज़ है। और बाकी वॉशरूम की कंडीशन की बात करें तो भाई यहाँ पर तो साफ़ सफ़ाई सही है, हैंड वॉश अवेलेबल है, मिरर भी यहाँ का सही साफ़ है। तो साफ़ सफ़ाई मेंटेनेंस तो इस ट्रेन में सही है एकदम। ICF कोच होने के बाद भी देखो आप, साफ़ सफ़ाई एकदम बढ़िया मेंटेन है। तो भाई कुछ ही देर में हम लोगों की ट्रेन पहुंचने वाली है भूतेश्वर रेलवे स्टेशन, और ये देखो ये है न्यू दिल्ली मथुरा मेल लाइन, अपनी न्यू दिल्ली मुंबई मेल लाइन भी कह सकते हो आप, न्यू दिल्ली चेन्नई मेल लाइन जो कि मथुरा से होके निकलती है, वो लाइन यहाँ पर आके मिल रही है। वो देखो एक मालगाड़ी जा रही है ना, ये दोनों लाइन्स यहाँ पर आके मिल जाती हैं भूतेश्वर रेलवे स्टेशन के पास। तो भाई 2 मिनट का हॉल्ट था भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का, अब यहाँ से भी हम लोग निकल गए हैं। अब बस 3 किलोमीटर है यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन मथुरा जंक्शन। निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट की डेस्टिनेशन मथुरा जंक्शन। तो भाई सारी चीज़ें हमने आपको इस जर्नी के दौरान बताई दी हैं, और एक चीज़ हमने आपको बताई नहीं थी लेकिन अभी तक तो आप समझ गए, हुई पूरी जर्नी सेकेंड AC में रही, स्टार्टिंग में हम आपको बताना ही भूल गए, ठीक है। तो बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस ट्रेन में आपने कभी ट्रैवल किया है या नहीं किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। यार ये मालगाड़ी इसका इंजन है हॉकिंग दे रहा है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगली जर्नी आपसे मिस नहीं हो। और इंस्टाग्राम पे भाई फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लो, यहाँ पर देखो यूजर नेम मेंशन हो रहा है HY Vlogs, वहीं फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।